अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक होंगे? जी जनाब, केमिस्ट्री से आज का टॉपिक है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल को लेक्चर में आपके साथ इसकी डिस्कशन करना, शेयर करना, इसलिए मैं ज़रूरी समझता हूँ कि सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री का तकरीबन पहले 4-5 चैप्टर सारे के सारे वो पीरियोडिक टेबल पे बेस्ड है। तो अगर आपको पीरियोडिक टेबल का अच्छा नॉलेज है तो वहाँ पर उन चैप्टर्स में आपके लिए कोई इशू नहीं होगा, बल्कि पूरी केमिस्ट्री में जो है मैं समझता हूँ कि पीरियोडिक टेबल का समझना लाजमी है। तो इसके आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, हम ये देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल है क्या चीज़, नंबर वन, इसको क्यों बनाया, नंबर दो, इसका जवाब मिलेगा, इसके अंदर ग्रुप्स क्या है, पीरियड्स क्या है, नंबर चार, इसके अंदर ब्लॉक्स कौन कौन से हैं और क्यों हैं, नंबर पाँच, एलिमेंट्स को याद करने का तरीका क्या होगा। ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में शामिल हैं। और इससे पहले अक्सर स्टूडेंट्स मुझसे जब भी पूछते हैं कि फलाना वीडियो रिकॉर्ड कर ले मेरे लिए वो लेक्चर, दरअसल उनको मैं बार बार ये नहीं बता सकता कि यार असल में आप जब सब्सक्राइब कर लेते हैं तो सब्सक्राइब के साथ आप बेल वाली आइकन आप नहीं दबाते हैं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलती है, इसीलिए बार बार जो है आप कहते हैं कि ये वीडियो रिकॉर्ड कर। हालांकि अक्सर वीडियो लेक्चर्स मैंने रिकॉर्ड किए होंगे, स्पेशली बायोलॉजी में केमिस्ट्री, तो अभी मैंने स्टार्ट की हुई है, तो आप उस बेल आइकन को सब्सक्रिप्शन के साथ उसको भी दबा दें ताकि आपको जो मैं वीडियो बनाता हूँ वो आपको मिल जाए, इसका ये फ़ायदा है। पीरियोडिक टेबल को बनाया क्यों? देखे, इंसानी जहन हर उस चीज़ को पिक करता है, पसंद करता है जो तरतीब से हों। आप ख़ुद भी किसी को इम्प्रेस करने के लिए, मुतासर करने के लिए, अपने आप को मुतासर करने के लिए आप क्या करते हैं, चीज़ों को तरतीब से रखते हैं। पीरियोडिक टेबल के अंदर हम इसको इसलिए हमने बनाया क्योंकि हमारे पास एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा आ गए। पहले 10-15 एलिमेंट्स थे, अभी 40-50 हो गए। एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को समझना लाजमी था, याद करना लाजमी था, तो साइंटिस्ट ने सोचा कि हम इसको एक प्रॉपर तरीके से अरेंज कर दें। ये जो प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट है टेबल की शक्ल में एलिमेंट्स का, इसका डेफिनेशन यहाँ पर, इसको कहते हैं पीरियोडिक टेबल। लिखा क्या है, प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ टेबल इज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। और ये जो एलिमेंट्स हमने अरेंज किए हुए ये ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर है, हमने एटॉमिक नंबर के बुनियाद पर इसको अरेंज किया हुआ है, यानी पहले वो एलिमेंट रखा जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, फिर वो एलिमेंट रखा जिसका एटॉमिक नंबर 2 है, फिर वो लिखा जिसका 3 है, 4 है, 5 है, 6, इस तरह। इस पर काफ़ी साइंटिस्ट ने काम किया था, वो आज हम नहीं पढ़ेंगे हिस्ट्री में कि पहले कौन साइंटिस्ट आया, फिर क्या था, फिर कौन सा था, फिर मेंडेलीव था, मोजले आया, लॉफ्ट्रायड आया, उसकी आज ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये आपको बताना था कि पीरियोडिक टेबल क्यों बना। पहले आपको समझ आ गया क्यों बना, आसानी से इनके एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए, क्या ताकि इनको प्रॉपर तरीके से अरेंज किया जाए, ये क्यों का जवाब है। पीरियोडिक टेबल ख़ुद क्या है, ये है प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, दैट्स कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। अब इसमें आते हैं ग्रुप्स की तरफ। पीरियोडिक टेबल को अगर मैं इस तरह से आपके लिए लिख दूं तो पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको इस तरह से कॉलम्स नज़र आएंगे, इस तरह से आपको कॉलम्स नज़र आएंगे। ये वाला क्या है, ये एक कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है, इस तरह कॉलम्स आपको नज़र आएंगे, ठीक है, कॉलम्स। तो इधर मैं आपके लिए लिख लेता हूँ, ये क्या है, दिस इज़ कॉल्ड कॉलम, सी ओ एल यू एम एन, यह आपका कॉलम है, ये भी कॉलम है। तो इन कॉलम्स का नाम क्या है, वर्टिकल ग्रुप्स, वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स, कॉलम्स, ये आपके वर्टिकल कॉलम। इसके अलावा आप लेफ्ट टू राइट जब चलेंगे तो इसको क्या नाम बोलते हैं इंग्लिश में, हॉरिजेंटल। जब आप इस तरफ मूव कर रहे होते हैं ना तो दिस इज कॉल्ड एज हॉरिजेंटल। तो ये वाले जो रॉज हैं, इसको हम लोग रॉज बोलते हैं, आर ओ डब्ल्यू एस,
ये आपका रॉ है, दिस इज कॉल्ड एज ग्रुप। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं जी, सॉरी, दिस इज कॉल्ड पीरियड, ये वाले पीरियड हो गए, इस तरफ आप चलेंगे और आप नीचे आएंगे तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रुप कहेंगे। तो मैं इधर नीचे लिख लेता हूं ग्रुप, ठीक है, तो ये ग्रुप होगा ये आपका। अब पीरियडिक टेबल में आप खुद ही बता सकते हैं कि इसमें ग्रुप क्या है। ये इस तरफ से जब आप आओगे, ये एक ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, ये तीसरा एंड चौथा, आप चलते जाएंगे। तो अगर हम काउंट करेंगे तो ये वाला हमारे पास क्या आ जाएगा, ये पहला ग्रुप आ जाएगा, पहला ग्रुप, और ये दूसरा ग्रुप, ये तीसरा ग्रुप, ये आ जाएगा फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन, फोर्टीन, फिफ्टीन, सिक्सटीन, सेवनटीन, एटीन। तो अब आपको पता चला कि हमारे पास टोटल जो ग्रुप्स हैं वो कितने हैं, वो 18 ग्रुप्स हैं, नंबर वन। अच्छा, इन ग्रुप्स को मज़ीद भी थोड़ा सा और डिवाइड किया हुआ है, मैं नहीं चाहता कि उसको डिफाइन कर दूं, आपके लिए ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी हो सकता है कभी आपके लिए कोई कन्फ्यूजन आ जाए। ये जो 18 ग्रुप्स हैं, 18 जो ग्रुप्स हैं, इनको ए में और बी में डिवाइड किया हुआ है, जितने भी ग्रुप्स हैं, ग्रुप ए और बी में। तो ये जो है इसको 1A, दिस इज 2A, और फिर एक बड़ा सा जंप लगा के यहाँ से 3A, ऐसे इसको लगाया हुआ है 4A, इसको किया हुआ है 5A, 6A, 7A एंड 8A, इस तरह से। और फिर ये वाले जो है इसको बी में कैटेगरी में डाला हुआ है, ठीक है, इसको फिर बी में डाला हुआ है, ठीक है। ये पूरा का पूरा कौन सा कैटेगरी है, बी कैटेगरी, ये सारा का सारा जितने भी यहाँ से हैं, सेकेंडियम से, सेकेंडियम से जिंक तक जितने भी हैं, इसको किस में डाला हुआ है, बी में डाला हुआ है, ठीक है। तो उस हिसाब से अलग है, लेकिन आसानी से ये है कि आप यहाँ स्टार्ट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ये एक अच्छा वो है कि आपको पता चले कि 18 सारे टोटल ग्रुप्स हैं। अगर ए और बी के लिहाज से देखा जाए तो ए जो है वो आपको वहाँ पर तक लेके जाएगा, 8A तक लेके जाएगा। अच्छा, ये हो गए आपके ग्रुप्स। अब पीरियड की तरफ आते हैं। ये आपका पहला पीरियड है, ये हाइड्रोजन, जिसके बाद फिर कुछ नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है। हम यहाँ से इसको लेके जाएंगे सीधा, ये यहाँ से, ये आपका पहला पीरियड है, पीरियड वन, दिस इज योर पीरियड वन, जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन है और हीलियम है, हीलियम। जबकि यहां से आपका दूसरा पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, इसमें लिथियम है और बेरिलियम है, फिर ये बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन तक जो है, ये आपका दूसरा पीरियड हो जाएगा। तो अगर मैं इधर वन लगा दूं, पहला पीरियड, इधर लगाऊंगा दूसरा पीरियड, तो इधर क्या आएगा, ये आएगा तीसरा पीरियड। अब ये आपका तीसरा पीरियड आ जाएगा, ठीक है, आर्गन तक, यहाँ पर आर्गन तक तीसरा पीरियड है। फिर ये पोटेशियम से जो स्टार्ट हो रहा है, चौथा पीरियड है, ये सारा का सारा आपका चौथा पीरियड है, क्रिप्टॉन तक। फिर आपका पांचवा पीरियड है, रुबिडियम, स्ट्रोंशियम से स्टार्ट होकर के ज़ीनॉन तक आएगा, एक्सई तक आएगा,
फिर आपका ये छठा पीरियड है सीजियम से स्टार्ट होकर के रेडोन पर आएगा, और सातवां पीरियड जो है फ्रांसियम से स्टार्ट होके उजिनिम तक आ जाएगा, ओ जी तक आ जाएगा। ये आपका टोटल हो गए सात पीरियड्स। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, पीरियड हमारे पास कितने हैं, सेवन पीरियड्स हैं। अब सवाल ये है कि पीरियडिक टेबल में इस बहुत बड़े से ब्लॉक के नीचे एक छोटी सी पट्टी है, डबल पट्टी है, ये क्या है? दरअसल ये जो पट्टी है ये असल में हकीकत में ये इसी ब्लॉक के अंदर पड़ी हुई है। अगर इस पट्टी को छोटा किया जाए, एक बॉक्स बनाया जाए, तो ये पूरे ये जो दो पट्टियां हैं ये इसमें से ऊपर वाली जो पट्टी है, दिस वन जो एल ए से स्टार्ट हुआ है, लेंथेनियम से, एल ए लेंथेनियम से स्टार्ट हुआ है, लेंथेनियम के बाद स्टार्ट, ये पूरी की पूरी पट्टी जो है ये दरअसल ये पट्टी पूरी की पूरी ये यहाँ पे पड़ी हुई है। अब आप ज़रा गौर से देखिए, ये पट्टी पूरी की पूरी कहाँ पड़ी हुई है, यहाँ इधर पड़ी हुई है, पूरी पट्टी इस एक खाने के अंदर पड़ी हुई है। अब सपोज कर लीजिए कि इस पूरे पट्टी को जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, अराउंड अबाउट, ये वैसे यहाँ पर सीरियम से स्टार्ट होता है, सीरियम लेंथेनियम के बाद जितने 14 एलिमेंट्स हैं, लेंथेनियम यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ल्यूटीटियम, एल यू ल्यूटीटियम तक जो 14 एलिमेंट्स है, ये 14 एलिमेंट का सेट इस छोटे से खाने के अंदर पड़ा हुआ है। तो मैंने क्या लिखा हुआ है, 57 से लेकर 71 तक। वो ऐसा क्यों मैंने किया हुआ है, क्योंकि इसका जो है नंबर वो है 57, और ये जो ल्यूटीटियम है उसका है एटॉमिक नंबर 71। तो 57 से लेकर 71 तक इस एक छोटे से खाने में, इसका मतलब ये है कि पूरी की पूरी पट्टी जो है ये असल में यहाँ पे पड़ी हुई है, हमने उसको यहाँ से बाहर निकाल कर आपको खुला करके दिखा दिया, ठीक है। फिर जो है अब आप देखें यहाँ पर जो बेरियम है इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 56 है, और इससे पहले जो सीजियम है उसका है 55 एटॉमिक नंबर, 56, 57 के बाद क्या होगा, 58, 59 एटॉमिक नंबर होगा, 60 होगा, अब चलते जाइए 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71। तो इसके बाद यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा वो होगा 72 का, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 72। एटॉमिक नंबर आपको पता है कि क्या है। अब आप देखिए कितना बड़ा जंप आ रहा है, पहले बड़ा अच्छा तरतीब था, ठीक है, लेकिन आप देखिए 56 से 57 से 58 आना चाहिए, लेकिन अब ये देखिए स्टूडेंट हैरान हो जाएंगे कि यार ये 56 के बाद इतना बड़ा सा जंप लगा कर 72 कैसे आया। तो उसकी वजह ये है कि 56 और 72 के बीच एक बड़ी सी लंबी सी पट्टी पड़ी हुई है, तो बाद में फिर आप देखिए उस पट्टी ख़त्म होती है, 72, 73, 74, 75, 76 फिर चलते जाइए 73 एटॉमिक नंबर, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा अब ये वाली जो पट्टी है जो कि स्टार्ट होती है एक्टिनियम से जो स्टार्ट होती है एसी, ये पूरी की पूरी जो पट्टी है ये यहाँ पर पड़ी हुई है बिल्कुल इस छोटे से ब्लॉक के अंदर। मैंने क्या लिखा हुआ है, 89 to 103, यानी इस एक खाने में 89 एटॉमिक नंबर से लेकर 103 तक एलिमेंट्स मौजूद है। ये भी कितने हैं, 14 एलिमेंट्स हैं, तो ये भी 14 एलिमेंट्स हैं। इनको मजमूई तौर पर क्या नाम हम देंगे, इस इन पूरे एलिमेंट्स का हम नाम देंगे एक्टिनाइड्स। क्या नाम देंगे, एक्टिनाइड्स। वो क्यों एक्टिनाइड्स कहा जा रहा है, क्योंकि ये एक्टिनियम के बाद ये पट्टी स्टार्ट होती है, एक्टिनियम के बाद
तो कुछ स्टूडेंट्स भी कंफ्यूज होते हैं कि एक्टिनियम इसमें शामिल है. नहीं, एक्टिनियम इसमें शामिल नहीं है. एक्टिनाइड्स के अंदर वो एलिमेंट्स हैं जो एक्टिनियम के बाद आएंगे, यानी ये वाला जो थोरियम वगैरह है या लॉरेंसियम तक 103 तक, ये एक्टिनाइड्स है. इसी तरह इस पट्टी का क्या नाम है? इस पट्टी का नाम है LANTHANIDES, लेंथेनाइड सीरीज, क्योंकि ये लेंथेनियम से स्टार्ट हुआ है. तो ये दो बातें आज आपने देख ली. ये लेंथेनाइड और एक्टिनाइड को मजमुई तौर पर, इनको मजमुई तौर पर हम क्या नाम देते हैं? रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी इसको कहते हैं. रेयर अर्थ एलिमेंट्स, इसमें से ये मेटालिक है, ठीक है, मोस्टली ये मेटालिक है, और ये इस वाली जो है ना, ये डेड एक्टिव एलिमेंट्स है. अच्छा जनाब, इस तरह से पीरियड आपका कॉन्सेप्ट इधर क्लियर हो गया. अब यहाँ से आप एक अंदाज़ा भी कर सकते हैं कि टोटल एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं. अगर आप देखें 103 तक, अगर लास्ट पट्टी जो है अगर आप ले देखें तो ये 103 तक है. स्टूडेंट ये समझते हैं कि टोटल 103 एलिमेंट्स है, क्योंकि वो अगर हिसाब से देखें तो लास्ट में 103 आ रहा है, बट दिस इज़ नॉट 103, इधर नहीं आ रहा है 103, असल में यहाँ पर आ रहा है 103, यहाँ पर है 103. के बाद क्या स्टार्ट होगा? 104 एटॉमिक नंबर होगा, 105 होगा, 106 होगा, 107, 108, 109, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. सो राउंड अबाउट 118 एलिमेंट्स आपके हैं. ये देखो, ये नए एलिमेंट्स आए हुए हैं, ठीक है, डिस्कवर जो अभी अभी हुए हैं. ये पहले जब था, जब मैं FSC में था तो ये नहीं थे प्रेडिक्टेबल में, तो अब इनको यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है 118 तक. अच्छा जनाब, अब हम आते हैं ब्लॉक्स की तरफ कि प्रेडिक्टेबल में कितने ब्लॉक्स हैं. तो जनाब प्रेडिक्टेबल में 4 ब्लॉक्स हैं. कितने ब्लॉक्स हैं? 4 ब्लॉक. एक का नाम है एस ब्लॉक, दूसरे का नाम है पी ब्लॉक, तीसरे का नाम है डी ब्लॉक और चौथे का नाम है एफ ब्लॉक. अगर आप देखें ये वाला जो है 1A और 2A, इसको कहते हैं एस ब्लॉक. नाम याद करने का तरीका शॉर्टकट बताता हूँ. लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से नाम याद करते हैं, मैं अपने तरीके से, मैंने इस तरह किया हुआ है. ये बाज़ लोग जो है हाय लैलानी की रब से फरियाद, ये बड़ा पुराना वो आ रहा है, हाय लैलानी की रब से फरियाद, हाय लैला ने की रब से फरियाद. फ्रांसियम, सीजियम, रुबीडियम, पोटाशियम, सोडियम, लिथियम. आप एक 20-30 रुपए का खर्चा कर ले, उसमें इनके जो नाम है एल आई का नाम क्या है वो आप देखें. लिथियम, NA का नाम क्या है? सोडियम. के से क्या मुराद है, के से क्या वो है? पोटेशियम. RB रुबीडियम, ये अपने करना है. उसके बाद ये वाला जो दूसरा है, इसको मैंने एक तरह याद किया था. मुख्तलिफ लोग अपने अपने अंदेज से, आप अपना अंदाज से कोई भी स्टेटमेंट अपने दिमाग में बनाओ, अपने अल्फाज में अपने बनाओ, ठीक है. मैंने बनाया था बीमग का सरबरा, बीमग का सरबरा. मैंने ये तस्वर किया कि बीमग एक इलाका है, उसका कोई लीडर है, सरबरा है. बीमग का सरबरा, बी मग MG, का CA, सर SR, BA बा आरे रा सरबरा, इस तरह से बीमक का सरबरा. और ये वाला, इसको मैंने ज़्यादा फोकस नहीं दिया था, सारे के सारे एलिमेंट. इसके लिए मैंने क्या किया था, सिर्फ ये ऊपर वाले एलिमेंट्स मैंने याद किए थे. सेकेंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये मैंने इस तरह याद किए थे. सेकेंड TV सर, सेकेंड TV सर. मनफी जैसे कि मनफी माइनस, उर्दू में मनफी बोलते हैं. मनफी कोनी कज़न, मनफी कोनी कज़न, कज़न कज़न कोनी मनफी, इस तरह से मैंने इसको याद. सेकेंड TV कर मनफी कोनी कज़न, इस तरह से आएगा. जिंक, कॉपर, निकल, कोबाल्ट, आयरन, मैग्नीज, इस तरह से. इसको किस तरह याद किया था? बोरोन के का जो ग्रुप है, इसके लिए मैंने कहा था बी अल गा इंटेल, बी अल गा इंटेल, बी अल गा इंटेल, बी अल गा इंटेल. एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम. इसको किस तरह याद किया था? सी साई जी सन पब, मतलब अपने अंदाज से सी साई जी सन पब. पी बी लेड को कहते हैं, SN टिन, जर्मीनियम, सिलिकॉन, सिलिनियम एंड कार्बन. कार्बन,
सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेलेनियम एंड लेड। इसको कैसे याद किया था? नाइट्रोजन वाले ग्रुप को एनपी एज सब बाई, एनपी एज सब बाई नाइट्रोजन, फास्फोरस, स्टैटिन, एंटीमनी, बिस्मथ, एंटीमनी, बिस्मथ, इस तरह से। अब इसको कैसे याद किया था? इसको मैंने ओस से टेपू, ओस एक इलाके का नाम है, टेपू दूसरे इलाके का नाम, तो ओस से लेकर टेपू तक का जो इलाका है, ओस, ओस से टेपू, ओस से टेपू, सल्फर, सिलिनियम, टेलोरियम, पोलोनियम। अब इसके लिए कोई खास वो नहीं था, इसको डायरेक्ट माइंड बनाया था, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन एंड सो ऑन। तो इस तरीके से मैंने याद किया था। अब देख सकते हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन के लिए कोई खास तरीका नहीं बनाया था, डायरेक्ट माइंड में रटा लगाया, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन एंड रेडॉन, क्योंकि जिंदगी में बस चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके लिए रटा लगाना पड़ता है, हिफ्स करना पड़ता है। अच्छा, ये तरीका था। इसके अलावा अब जब ये टेबल अपने माइंड में अब लिखेंगे ना, तो आप किसी का भी एटॉमिक नंबर आप देख सकते हैं कि कहाँ पर क्या आएगा। देखो, अगर आप यहाँ से स्टार्ट करें, मैं आपको कहीं भी बता सकता हूँ कि इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर आप लिख सकते हैं, खुद से लिख सकते हैं, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सीक्वेंस पकड़ ले, सीक्वेंस खुद ब खुद यहाँ तक आएगा कि क्या है। अब जैसे कि यहाँ पर कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, वो अगर हम सीक्वेंस देख लें, तो अगर यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है और ये हीलियम, अगर इसका एटॉमिक नंबर अगर 2 है, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 आएगा, इसका 4 आएगा, तो फिर इसका एटॉमिक नंबर 5 आएगा, और कार्बन का 6 आएगा, और उसका 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, इसका 10 आएगा, नियोन का 10 आएगा। अब आप चलते जाओ, आप अपना तरतीब पकड़ पीरियड वाइज चलते जाइए, आपको सारे एटॉमिक नंबर आ जाएंगे। ठीक है, ओके, ब्लॉक्स की तरफ आएंगे। एस ब्लॉक कौन सा है? ये जो आपका 1A और 2A है, ये वाला 1A और 2A या 1 और 2 जो है, ये आपका एस ब्लॉक है। इसको एस ब्लॉक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इनके एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एस सबशेल के अंदर जाते हैं। एक इस पर भी मैं काफ़ी जिक्र कर चुका हूँ, एस सबशेल, पी सबशेल, डी सबशेल एंड एफ सबशेल। अक्सर एलिमेंट्स क्या करते हैं, उसमें से लेट सपोज अगर ये शेल है, तो इन शेल्स के अंदर ये क्या यूज़ करते हैं, सब शेल होते हैं। सब शेल में से एक को एस सब शेल कहा जाता है, और कुछ ऐसे होते हैं उसको बोलते हैं पी सब शेल, और कुछ ऐसे होते हैं जिसका नाम है डी सब शेल। एक एटम के अंदर ही ये सारा ड्रामा चल रहा है, एक एटम के अंदर इस तरह छोटे छोटे कमरे हैं। आप एक एटम को एक कमरा समझ लीजिए, उस कमरे के अंदर छोटे छोटे कमरे आप समझ लीजिए। ठीक है, तो एक छोटा सा जर्रा है, उसके अंदर छोटा सा कमरा है, उसका नाम है एस सबशेल, और पी सबशेल, और डी और एफ। ये मैं फिलहाल आपकी आसानी के लिए ऐसे ही शॉर्टकट बता रहा हूँ, ठीक है, आसानी के लिए। आपने बस माइंड में ये कॉन्सेप्ट लेना है कि एटम के अंदर इस तरह से छोटे छोटे से कमरे हैं सबशेल के नाम से, एस सबशेल, पी सबशेल, डी सबशेल, एफ। असल में इन कमरों के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होते हैं, ये नामुकम्मल होते हैं। ये क्या होते हैं? नामुकम्मल होते हैं। अक्सर एलिमेंट का या तो एस सबशेल नामुकम्मल होता है, या पी सबशेल, या डी सबशेल, या एफ सबशेल नामुकम्मल होता है, इनकम्प्लीट। तो अगर किसी एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉन है वो नामुकम्मल एस सबशेल में आ रहा है, तो उन तमाम एलिमेंट्स को एस ब्लॉक एलिमेंट में रखा जाएगा, एस ब्लॉक, क्योंकि उनका कौन सा सबशेल नामुकम्मल है, एस सबशेल नामुकम्मल है। अच्छा, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन आ तो रहे हैं उसको मुकम्मल करने के लिए, ना मुकम्मल कमरे को मुकम्मल करने के लिए, वो इलेक्ट्रॉन कहां पर आ रहा है, पी ब्लॉक में आ रहा है, पी सब शेल के अंदर आ रहा है। तो ऐसे एलिमेंट को पी ब्लॉक का नाम देंगे, और कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनका के अंदर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं लेकिन डी सब शेल में आ रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनका इलेक्ट्रॉन एफ सब शेल में आ रहे हैं। तो टोटल सबशेल है ही चार, एस पी डी एफ सबशेल।
अगर किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में आ रहा है तो एस ब्लॉक से ताल्लुक रखता है, अगर वो पी में आ रहा है तो पी, अगर डी में रहा है तो डी। तो ये जो दो ग्रुप्स हैं इनको एस ब्लॉक का नाम दिया जाएगा क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉन जो है वो एस सबशेल में दाखिल हो रहा होगा। अब इसके बाद ये जो ग्रुप्स हैं तीन, दिस बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन हीलियम नियॉन वगैरह वगैरह है, जो नोबल गैसेस है, ये वाले नोबल गैसेस, इसको मैं सेट एलिमेंट का नाम देता हूँ अमीर, ठीक है, क्योंकि इनका जो है शेल्स कंप्लीट है, इनको ज़रूरत ही नहीं है इलेक्ट्रॉन आने की। तो ये सारा का सारा जो बड़ा सा ब्लॉक आप यहाँ से देख रहे हैं ना, ये सारा का सारा ब्लॉक जो 3A से स्टार्ट हुआ है इसको बोलते हैं पी ब्लॉक। अब इनको पी ब्लॉक क्यों कहा जा रहा है, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप लिख सकते हैं दो लाइन में, आप लिख सकते हैं व्हाई दे आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स इंटर इनटू देयर पी सबशेल, दे आर, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड पी ब्लॉक। तो ये सारे के सारे एलिमेंट जो है ये पी सबशेल यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए। अब डी ब्लॉक कौन सा है, ये वाला जो है ना, ये वाला जो स्कैंडियम से स्टार्ट होकर के जिंक पे जाके खत्म होना, ये वाले ग्रुप्स, ये सारे के सारे, ठीक है, 8, 9, 10 से लेकर 12 तक, ये वाले सारे के सारे, ये आपका कौन सा ब्लॉक है, डी ब्लॉक है। कौन सा ब्लॉक है, डी ब्लॉक। ये कौन सा ब्लॉक है, पी ब्लॉक। अब डी ब्लॉक क्यों कहा जा रहा है, आप खुद ही मुझे जवाब दोगे कि व्हाई दे आर कॉल्ड डी ब्लॉक, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं अपने डी सबशेल में। उसके अलावा एक और लफ्ज़ है पेनल्टीमेट, अल्टीमेट, वो भी यूज हो रहा है, उसकी लिए आपको फिलहाल जरूरत नहीं है, ठीक है, वो क्या है। तो आपने सिर्फ ये समझना है, आज के लिए सिर्फ ये समझना है कि इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो डी सबशेल में जा रहा है, बात खत्म। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं, ये वाला जो ब्लॉक है, छोटी सी पट्टी है जो यहाँ पर इस छोटे से खाने के अंदर पड़ी हुई है, इस पट्टी को क्या नाम दिया जाएगा, एफ ब्लॉक। ये दो पट्टियाँ हैं, इनको नाम एफ ब्लॉक दिया गया है, क्योंकि ये जब इनके अंदर अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इनके अंदर इंटर हो रहे हैं, लेकिन किस में, एफ सबशेल में जा रहे हैं, तो इसीलिए उसको एफ ब्लॉक कहा जा रहा है। बड़ा क्या खूबसूरत ही प्रेडिक्टेबल का कॉन्सेप्ट है कि उन्होंने कितने ज़बरदस्त अंदाज से इन चीज़ों को क्लासीफाई किया, एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है। इनको समझने से आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा केमिस्ट्री सीखने में, समझने में। इनकी तो प्रॉपर्टीज़ आती है, निकल की प्रॉपर्टीज़ है, कॉपर जिंक की प्रॉपर्टीज़ वगैरह वगैरह, ये आपको बड़ा अच्छे अंदाज से समझ आएंगे। और प्रॉपर्टीज़ इस प्रेडिक्टेबल में मज़े की बात यह है कि प्रॉपर्टीज़ जब आप एलिमेंट की स्टडी करना शुरू करोगे तो प्रॉपर्टीज़ एक ख़ास किस्म का ट्रेंड शो करते हैं, एक ख़ास सिस्टम तरीके से जो है वो मूव करती है। कोई एक पैरामीटर जो है वो एक तरफ कम हो रहा है, दूसरी तरफ वो ज़्यादा हो रहा है, तो एक सिस्टमेटिक स्टडी आपको मिल जाएगी इस प्रेडिक्टेबल से, बड़ा मज़ा भी आएगा। लास्ट में जाते हुए एक बात याद रखिएगा, इसके बाद जो लेक्चर्स आएंगे मेरे वो इस पर बेस्ड है, उसमें एक चीज़ कोपड़ी में याद रखिए, मैं बार बार नहीं बताऊंगा उधर। अगर आप प्रेडिक्टेबल में जाओगे ना तो इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखिएगा कि जो एटम का जो साइज़ है वो प्रेडिक्टेबल में कुछ इस तरह से होगा कि ग्रुप में स्टार्ट में इसका साइज़ छोटा होगा, नीचे आओगे तो उसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, उससे नीचे आओगे तो उसका साइज और भी बड़ा हो जाएगा, उससे नीचे आओगे तो साइज और भी बड़ा होगा। ये अपने दिमाग में रख ले, ठीक है। अच्छा, अगर आप यूं इसमें पीरियड वाइज जाओगे, ग्रुप वाइज तो पता चल गया, पीरियड वाइज अगर आप जाओगे तो पीरियड वाइज आप ये याद रखिएगा कि साइज तकरीबन सेम ही रहता है, लेकिन थोड़ा सा छोटा भी हो सकता है। क्या हो सकता है, छोटा हो भी सकता है। यह अंदाजा आप रख ले, ठीक है। तो पीरियड वाइज जाते हुए आपका साइज जो एटम का साइज है वो छोटा होता जाएगा, ग्रुप वाइज जो एटम का साइज ये बड़ा होता जाएगा। ये कॉन्सेप्ट अगर आपके जहन में रहा तो आने वाले प्रॉपर्टीज को याद करना बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। अलॉन्ग द ग्रुप साइज इंक्रीज, ठीक है, क्यों इंक्रीज होगा वो मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। शेल्स बढ़ रहे होते हैं, शेल्स, और यहाँ इस तरफ शेल्स बढ़ते नहीं हैं, वहाँ पर शेल्स एक ही शेल रहा होता है उसके अंदर, और प्रोटॉन्स आ रहे होते हैं, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होते हैं, तो इसीलिए वो या तो बाजूखत या तो कॉन्सेंट रहता है साइज, या छोटा
हो जाता है, लेकिन ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। इसके साथ ही मेरे ख्याल से पीरियोडिक टेबल में और ऐसा कुछ नहीं रहा, सब कुछ आपको मैंने बता दिया। आई होप यहाँ से आपको एक लंबा सा लेक्चर ज़रूर था लेकिन आपके फ़ायदे के लिए होगा। इसके साथ ही अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दूसरों का भी ख्याल रखिएगा, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।